रेडी? यस गुड। और रमनीश वत्स जी, आप योग गुरु हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं या जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हैं, उनको आप योग की मुद्राएं सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जितने भी ये टॉप मोस्ट लोग हैं, योगा के प्रति कितना ये श्रद्धा भाव रखते हैं, कितना जेन्युइन तरीके से सीखते हैं, या आपको लगता है कि वास्तव में सीख रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए योगा सीख रहे हैं? जी नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि जब से प्रधानमंत्री 2014 में जब से इनकी सरकार बनी है, तब से एक तो सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि आजकल योग के प्रति जागरूकता लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आज की समस्याएँ। हम शारीरिक समस्याएँ, मानसिक समस्याएँ और भावनात्मक समस्याओं से काफ़ी घिरे हुए हैं, और उन सब चीज़ों से यदि आपको निदान पाना है तो आपको योग करना पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री हमारे इन सब चीज़ों को, उन्होंने योग को उन्होंने अंगीकार कर लिया है। जैसा कि आज हमने सुबह में देखा, हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे काफ़ी अच्छा योग कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल सही बात करें मनीष जी, आपने अपने प्रोफाइल के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे आप रबर बॉय की उपाधि दी, राष्ट्रपति जी को भी आप योग सिखाते हैं, तो राष्ट्रपति जी का योग को लेकर क्या नज़रिया है? हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी योग के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, वो भी काफ़ी अपने स्वस्थ रखने के लिए और रहने के लिए वो योग करते हैं, अभी भी योग करते हैं वो। और आप जहाँ तक रबर बॉय की उपाधि की बात है, तो हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पंड्या जी हमारे गुरु जी हैं, गाजी परिवार के प्रमुख, उन्होंने मुझे रबर बॉय की उपाधि दी थी। और आज लगभग बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं, देश हैं जहाँ पे मैं गया हूँ उनके साथ और मैंने किया। क्यों, कौन सी लाइट भैया, लाइट खराब है क्यों? 12 अवार्ड मुझे लगभग मिल चुके हैं अलग अलग संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि योग लाइफ स्टाइल ही नहीं है, बल्कि ही नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप में हम विज्ञान के रूप में हम इसको। प्रमुख जो रूटीन में आते हैं कि अगर हम योग रोज करते हैं, तो उसके 5 मुख्य फायदे। जहाँ तक फायदों की बात करें तो योग में सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं है नहीं। 5 मुख्य फायदे, लेकिन 5 मुख्य फायदों में देखिए तो सबसे पहले आप सुबह होकर के, आप पहला फायदा आप देखिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर में जितनी भी बीमारियाँ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे स्वस्थ होंगे और बीमारियों को दूर करेगा। अब हम दूसरा आते हैं, इमोशनल बैलेंस हमारे अंदर उसकी कमी है, तो इमोशनल बैलेंस को, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं। फिर अब बात आती है स्टेमिना की। अब बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे कि आप धूप में 10 मिनट 15 मिनट वो खड़े नहीं हो सकते, उसके बाद वो गिर जाते हैं, डिजनेस फील करते हैं और वो गिर जाते हैं। तो ये आप योग को करने के बाद आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपका स्टेमिना बढ़ेगा। फिर बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम हम जब करते हैं तो आप देखेंगे श्वसन शक्ति का विस्तार होता है इसमें। आज लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स कैपेसिटी का प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आप काफ़ी देख सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण हो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, इन सब प्रदूषण को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए प्राणायाम करते हैं। अब बात आती है ध्यान की। ध्यानाध्यायते इति ध्यानम्। ध्यान क्या है? वह एक भीतर का स्नान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का स्नान हो जाता है, भीतर रूप से अंतर मन जो है हमारा, उससे स्वस्थ होता है, उससे स्वस्थ के साथ साथ वह निर्मल होता है। तो स्वस्थ और निर्मल बनाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? धन्यवाद। ठीक है।